मैं केदारनाथ धाम बोल रहा हूँ। अनंत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग मेरे बारे में अवश्य ही भली भांति परिचित होंगे। मैं केदारनाथ हिंदुओं का पवित्र स्थल होने के साथ साथ सनातन धर्म वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हूँ, जहाँ लाखों हिंदू श्रद्धालु अत्यंत जोखिम भरे रास्ते होने के बावजूद भी हर महीने माथा टेकने आते हैं और मेरे दर्शन का लाभ उठाते हैं। आज मुझे आप सभी से मेरे बारे में बहुत सी बातें बतानी है, साथ ही भारतवर्ष एवं पवित्र देवभूमि उत्तराखंड के क्षेत्र के उस समय के उन महान राजाओं का भी धन्यवाद करना है, जिन्होंने उस मुस्लिम सल्तनत काल से जिसमें गजनवी और गौरी जैसे क्रूर नरभक्षी भारी आक्रांता थे, जिनके काल में भारत के लगभग सभी प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया गया था, उनसे मेरी रक्षा की और मेरा बाल भी बाका नहीं होने दिया। और ये भी बताना है कि मैं उन नरभक्षियों के आक्रमणों से तो बच गया, परंतु 2013 में मेरे ऊपर एक भीषण आपदा आई, जिस समय अभी तक पूरी तरह से उभर नहीं पाया हूं। मैं आपको आज बतलाऊंगा कि कैसे चंद समय के उस भीषण बाढ़ के मंजर ने मेरा इतना प्राचीन, सुंदर, सुशोभित एवं मंत्रमुग्ध कर देने वाला परिसर नष्ट कर दिया एवं मुझे पूरी तरह उजाड़ दिया। वे कैसी घटना थी जिसमें मैं शायद पुनः आपके समक्ष वापस नहीं आ सकता था, परंतु आप सभी श्रद्धालुओं एवं सरकार में बैठे कुछ शिव प्रेमी के कारण मैं बहुत ही कम समय में आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। साथ ही मैं आपके साथ उस राज से भी पर्दा उठाऊंगा कि मुझे जागृत महादेव क्यों कहा जाता है। मैं केदारनाथ धाम वर्तमान में भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर एवं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हूँ। मैं वहां के लोगों द्वारा उत्तराखंड के चार धाम एवं पंच केदार में से एक के रूप में पूजा जाता हूँ। मेरे बारे में कहा जाता है कि मेरा इतिहास आज का नहीं है, अतः इस कारण से मेरे इतिहास की 100% जानकारी अभी तक कहीं से प्राप्त नहीं की जा सकती, परंतु कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि 8वीं शताब्दी में आद्य शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में चार ज्योतिर्लिंग स्थापित किए, उन्हीं में से एक मैं भी था एवं अंत में 32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मेरी ही गोदी में समाधि धारण कर ली थी। और एक पौराणिक लोककथा के अनुसार बताया जाता है कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों से शंकर भगवान नाराज हो गए थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध जीतने के लिए अपने ही भाइयों का वध किया था। मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए 5 भाइयों ने मेरी स्थापना करी। साथ ही आधुनिक इतिहास को देखें तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रखे दस्तावेजों से एक और कथा बताई जाती है कि 11वीं शताब्दी में मेरे ज्योतिर्लिंग की स्थापना मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित धार नगरी के राजा भोज द्वारा की गई थी एवं उसी समय बाहरी मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनबी के समकाल में मैं उत्तराखंड में राज करने वाले कत्यूरी राजवंश एवं एक शक्तिशाली राजा वीरदेव की देखभाल में रहा। मेरे स्थल की यदि बात की जाए तो मैं हिमालय के केदार पर्वत नामक श्रृंग पर तीन तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ हूँ। मेरे एक और लगभग 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ पर्वत, दूसरी ओर लगभग 21,000 फुट ऊंचा खर्चकुंड एवं तीसरी ओर लगभग 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड नाम के पहाड़ मेरे स्थल की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। साथ ही मेरी सुंदरता की और बात करें तो मेरा एक दो नहीं बल्कि 5 नदियों का संगम मिलता है, जो मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरसागर, सरस्वती एवं स्वर्णगौरी हैं। इनमें अधिकतम नदियों का अस्तित्व वर्तमान में नहीं रहा, परंतु अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी आज भी सुशोभित है और उसी किनारे में स्थित हूँ। मेरे यहाँ तक पहुँचने हेतु लगभग 17 किलोमीटर की चढ़ाई बहुत ही दुर्गम पहाड़ों से होकर करनी पड़ती है। वहीं यदि मेरी वास्तुकला की बात करें तो वह भी बड़ी ही अद्भुत है। मेरा मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बनाया हुआ है एवं ज्योतिर्लिंग त्रिकोणाकार का है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप एवं गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ बना हुआ है। बाहर प्रांगण में विशाल नंदी बैल भगवान श्री शिव के वाहन के रूप में विराजमान है, जिसकी श्रद्धालु पूजा भी करते हैं। यदि आप लोग मेरे दर्शन करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि मेरे कपाट आप सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रातः सुबह 6 बजे खुल जाते हैं एवं दोपहर 3 से 5 तक मेरे
यहाँ विशेष पूजा की जाती है और इसके बाद बाबा के विश्राम के लिए मेरे कपाट बंद कर दिए जाते हैं। पुनः शाम 5 बजे से श्रद्धालुओं के लिए मेरे कपाट खोले जाते हैं। सिर्फ 5 मुख वाली भगवान शिव की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके 7:30 से 8 तक नियमित आरती होती है एवं रात्रि 8:30 पर केदारेश्वर मंदिर के कपाट रात्रि विश्राम हेतु बंद कर दिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि शीतकाल में केदारनाथ घाटी बर्फ से लगभग पूरी तरह ढक जाती है, अतः केदारनाथ मंदिर का खुलने एवं बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है। अतः मेरे कपाट सामान्यतः नवंबर माह की 15 तारीख से पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं और फिर 6 महीने बाद अर्थात 14 या 15 अप्रैल के निकट पुनः दरबार खुलते हैं। इसी दौरान आज भी मेरे यहाँ भगवान शिव की महिमा देखी जा सकती है कि 6 मास शीत ऋतु में मंदिर बंद रहने के कारण भी मेरे मंदिर के पुरोहित सत सम्मान मेरे मंदिर के पाट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ओखी मठ में ले जाते हैं। अतः उस दौरान 6 माह तक मंदिर में एवं मंदिर के आसपास कोई भी इंसान नहीं आ जा सकता, लेकिन फिर भी मंदिर में स्थित दीपक 6 माह तक निरंतर जलता रहता है। इस समय के दौरान एक बार मेरे बाबा के चमत्कार की एक और हदप्रद करने वाली घटना देखने को मिली थी, जिसने केदारनाथ बाबा को नया नाम दिया और उस घटना के बाद से ही केदारनाथ को जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाने लगा। एक बार एक शिव भक्त जो केदारनाथ धाम जाना चाहता था, लेकिन रास्ता ना पता होने के कारण हर साल वो रह जाता था। फिर एक बार उसने निश्चय किया, कुछ भी हो जाए अब की बार मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर वह घर से चल दिया। बाबा की कृपा से रास्ते में कई राहगीर उसे मिलते गए और वह उनसे मार्ग पूछकर आगे बढ़ता रहा। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब वह बाबा के दरबार में पहुंच गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि केदारनाथ के मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं एवं 6 महीने बंद रहते हैं। दुर्भाग्यवश वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे और मंदिर के पंडित को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित से बहुत प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजा खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए, पर पंडित का कहना था कि माफ करना भाई, नियम यही है कि एक बार द्वार बंद हो जाते हैं तो 6 महीने के लिए बंद ही रहते हैं। इससे भी वह बहुत उदास हुआ, रोया, बार बार भगवान शिव को याद करने लगा कि प्रभु जब मैं आया हूं तो एक बार दर्शन करके ही जाऊंगा। फिर मंदिर के पंडित बोले, भैया आप 6 महीने बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। वहां 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है और सभी जन वहां से चले जाते हैं, परंतु वह व्यक्ति वहीं पर ठहरा रहता है, वहीं रोता रहता है। रोते रोते रात हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, पर उसे विश्वास था कि उसे शिव जरूर दर्शन देंगे। फिर उसे बहुत भूख एवं प्यास लगी रहती है। तभी उसने किसी के आने की हट सुनी और देखा एक सन्यासी बाबा उसकी तरफ आ रहे हैं। अब उनके पास बैठा एवं सन्यासी बाबा ने उनसे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने पूरा हाल सुनाया। बाबा बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन कर पाओगे। बातों बातों में उस भक्त को नींद आ जाती है एवं सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही भक्त की आंख खुलती है। उसने इधर उधर देखा और बाबा को कहीं नहीं पाया। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित लोग आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच कोई तो नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की, फिर बोले, तुम तो वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे 6 महीने होते ही वापस आ रहा है। तब उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो अपन मिले थे, रात में बस यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद लौटा हूं। मैं हैरान हूं कि तुम 6 महीने तक यहां पर जिंदा कैसे रहे। पंडित तो उसकी सारी मंडली हैरान थी, कितनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति 6 महीने तक यहाँ कैसे जिंदा रह सकता है। तब उस भक्त ने उन सभी को सन्यासी बाबा के मिलने की सारी कहानी सुनाई और बताया कि उस सन्यासी बाबा का हुलिया थोड़ा अलग था। वो काफी लंबे थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहने हुए थे। यही सुनकर पंडित और सभी लोग उसके चरणों में गिर गए और बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन न कर सके, तुम्हें भगवान साक्षात ही दर्शन दे दिए, तुम इतने सच्चे भक्त हो, तुमसे मिलकर हम धन्य हो गए, शिव ने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने की रात में परिवर्तित कर दिया, यह सब तुम्हारी पवित्र मन और तुम्हारी विश्वास के द्वारा ही संभव हुआ है।
इस घटना के बाद से केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाने लगा। मेरा भूत वर्तमान एवं भविष्य इतना उद्दीप्त है कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। परंतु इसी के बीच सन 2013 से 16 और 17 के जून के मध्य आई बाढ़ की त्रासदी इतनी भयानक थी कि आज भी मेरे आसपास के इलाके में मेरे खुद के ब्राह्मण की आत्मा उस घटना को पुनः याद कर कंप-कंप आ जाती है। केदारनाथ परिसर में हुई इस भयानक विनाश को देखकर मैं बहुत ही सदमे में आ जाता हूँ। अमरनाथ की तरह यहाँ भी चोरावाड़ी झील में बादल फटने से इतनी तबाही मची थी कि श्रद्धालुओं की जान गई और कई हजारों उसमें घायल हुए। तब शांत केदारनाथ घाटी में अचानक से मचे भीषण बवंडर को देखकर हर कोई हैरान था। किसी ने कल्पना तक नहीं करी थी कि मंदाकिनी नदी इतना विकराल रूप ले लेगी एवं इस तरह तबाही मचाएगी कि लोगों की जाने वहां लोगों के रहवास पूरी तरह से उजड़ जाएंगे। इस घटना की दर्दनाक यादें आज भी लगभग 9 साल बाद प्रत्येक श्रद्धालु के मन में स्थित हैं। इस भीषण आपदा में लगभग 4700 से अधिक शव बरामद हुए थे एवं कई वर्षों तक मानव कंकाल मिलने का सिलसिला जारी रहा था। साथ ही लगभग 5000 लोग लापता हो गए थे। इतनी भीषण तबाही मची कि इस त्रासदी में कुल कितनी जाने गई आज तक उसका सही पता नहीं लगाया जा सका। परंतु समय के साथ बहुत ही कम समय में सरकार ने मुझे पुनः और लगभग पहले से अच्छे रूप में सबके समक्ष लाकर खड़ा कर दिया एवं मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि पुनः मेरा प्रांगण लगभग हर दिन 15 से 20 हजार श्रद्धालुओं द्वारा सुशोभित होता है। मेरे लिए आज देश के प्रधानमंत्री एवं शिवभक्त श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसके पहले चरण का कार्य लगभग 95% तक पूर्ण हो गया है, जिसने मुझे 2013 में आई भीषण आपदा से उभारने के लिए सहायता दी। आज पुनः मेरा प्रांगण बड़ा विशाल और आच्छादित हो गया है। वर्तमान में मेरे मंदिर के पीछे 390 मीटर ऊंची सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया है। मंदाकिनी एवं सरस्वती नदी के घाटों पर चबूतरों का निर्माण किया गया है। वहीं मंदिर परिसर का चौड़ीकरण करके 200 मीटर लंबा रास्ता बनाया गया है एवं वहां के पुरोहितों के लिए आवासों का निर्माण, साथ ही श्रद्धालुओं के लिए बहुत सी कोटेज की व्यवस्था की गई है। आज केदारनाथ में 3000 से अधिक यात्रियों के एक साथ ठहरने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। तो अब आप कब आ रहे हैं आपके प्रभु के पास? मैं भी अपने शिवभक्त श्रद्धालुओं से मिलने को बड़ा आतुर हूँ। मेरे तक पहुंचने हेतु सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जोली ग्रांट हवाई अड्डा है जो यहाँ से लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो मेरा निकटतम स्थित ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है जो मुझसे लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं सड़क माध्यम की बात करें तो हरिद्वार एवं ऋषिकेश के अलावा देहरादून एवं कोटद्वार से भी आप यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। यदि आप सड़क मार्ग से केदारनाथ यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यह जरूरी है कि आप एक अच्छे शारीरिक आकार में हो, क्योंकि मंदिर तक पहुंचने के लिए एक लंबा और कठिन ट्रैक लगता है, इसलिए आपको दूरी तक चलने की अच्छी सहन शक्ति की आवश्यकता होगी। क्योंकि मंदिर बहुत ऊंचाई पर स्थित है इसलिए अनुकूलन भी एक मुद्दा बन सकता है। सुनिश्चित करें कि आप इस तीर्थयात्रा को शुरू करने से पहले अच्छी तरह से तेज चलना शुरू कर दें। यहाँ तक कि अगर आप गर्मी के महीने में यात्रा कर रहे हैं तो गर्म कपड़े, जैकेट, थर्मोकोट, इनरवियर, रेनकोट, ऊनी मोजे आदि पैक करें, क्योंकि यहाँ सूर्यास्त के बाद तापमान बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। इसके अलावा टोपी, धूप का चश्मा और सनस्क्रीन लोशन के साथ यहाँ पर आएं, क्योंकि सूर्य की किरणें दिन के समय बहुत कठोर हो जाती हैं। जब आप केदारनाथ की यात्रा कर रहे होते हैं तो वॉकिंग पोल और टॉर्च भी काम आता है। मुझे मेरे यहाँ आए हुए युवाओं को देखकर बड़ा ही दुख भी होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वहाँ एक आस्था की भावना लेकर नहीं आते। कोई यहाँ आकर सिर्फ अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए वीडियो बनाते हैं तो कोई कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो मुझे शर्मसार कर देती हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि पावन स्थल भगवान महादेव से साक्षात्कार होने के लिए है। आप यहाँ पर सब चीज़ों से दूर होकर महादेव के प्रति भक्तिभाव को लेकर आएँ। इसी के साथ आप मेरे यहाँ कब आ रहे हैं ये ज़रूर बताएँ, और वीडियो में दिखाई गई जानकारी पसंद आई तो इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय केदारनाथ बाबा, जय हिंद, जय भारत।